गुरुजी राधे 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 श्याम मेरा नाम कान्हा है जी मेरा गुरु जी एक क्वेश्चन है जी गुरु किसको मानूं जैसे लाइक जैसे हम जन्म लिए तो माँ बाप को माने थोड़ा और बड़ा हुए तो स्कूलिंग में टीचर्स को माने जी थोड़ा सा और बड़े हुए नौकरी करने तो हमारे बॉसेस हैं बॉसेस गुरु नहीं है ठीक है उसके ऊपर अभी हम माता रानी को बहुत मानते हैं अपने आदर्श अपने दादाजी को हम बहुत मानते हैं तो माने किसको आखिर नहीं माँ भी गुरु होती है जिस माँ ने हमको आ, संसार सिखाया समझाया वो माँ गुरु है पिता भी गुरु हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया और हमारे आ, जो टीचर्स हैं तो आजकल टीचर्स हो गए पहले वही गुरु का रूप होते थे क्योंकि पहले हमारी एजुकेशन गुरुकुलम में हुआ करती थी तो वो गुरु ही ब्राह्मण और जो वो कार्य भी Uh, उसी हिसाब से होता था आजकल मैं इस बात को ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता बिकॉज़ कुछ बाउंड्रीज हैं जिन बाउंड्रीज़ में हमको रहना पड़ता है आजकल बाउंड्रीज भी क्रॉस नहीं कर सकते आप सत्य तो नहीं बोल सकते तो आजकल तो सबको पढ़ाने का अधिकार है ना सब पढ़ा सकते हैं तो इसलिए वो सारे टीचर्स हो गए और जब वो टीचर्स हो गए हैं तो उनको हम वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं गुरुओं वाली क्योंकि उनको भी पता है वो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं आपको राइट right? आपको भी पता है हम लोग पैसा दे रहे हैं पढ़ाई का तो वो फीलिंग उनमें आने वाली है नहीं गुरु वाली पर फिर भी हम एज ए वो क्योंकि टीचर हैं पर हम उनकी रिस्पेक्ट गुरु की तरह ही करें लेकिन ये जितने भी गुरु हैं ये संसारिक गुरु हैं संसार का मतलब है कि माता ने बताया संसार पिता ने सिखाया संसार में पैदल चलना और टीचर्स ने भी सिखाया कि संसार में कैसे रह कर पैसा कमाया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए राइट right? यही ना सिखाया तो ये तीनों ने संसार समझाया लेकिन अध्यात्म में जो हमारे गुरु होते हैं जैसे आज जिन्होंने दीक्षा दी है जिन्होंने ली है वो अध्यात्मिक गुरु हैं अध्यात्मिक गुरु क्यों इन तीनों ने संसार समझाया लेकिन जब मैं सदगुरु की शरण में गया तो उन्होंने संसार नहीं उन्होंने संसार बनाने वाला समझाया तो यहां एक संसार की नॉलेज किसी ने मुझे दी है और एक संसार बनाने वाले के लिए प्रेरित कर रहे हैं दूसरा जीवन का उद्देश्य संसार तो बिल्कुल भी नहीं है जिसको मैं गोल कहता हूं, जिसको मैं उद्देश्य कहता हूं वो संसार तो नहीं है संसार एक कहते हैं ना साइड बिजनेस है तो आए हैं तो ये तो मिलेगा ही और ये करना भी पड़ेगा लेकिन जीवन का गोल पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जुटरे सेनम बार बार जन्म न हो बार बार मरना न पड़े इसके लिए हमें मानव जीवन मिला है और मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है इससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता अगर मानव जीवन गंवा दिया तो फिर दोबारा कुछ प्राप्त होगा ही नहीं फिर तो भटकने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो उस मार्ग में उस जीवन में गुरु मिले और गुरु ने हमें गोविंद तक मिलाने की बातें कही तो में गुरु की आवश्यकता होती है जो तुम्हें मंत्र देते हैं जो तुम्हें राह दिखाते हैं जो तुम्हारा संबंध ईश्वर से जुड़वाते हैं और वो संबंध जुड़ने के बाद तुम्हारा कल्याण का मार्ग खुल जाता है ठीक है धन्यवाद धन्यवाद